सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज वीडियो में पीरियडिक क्लासिफिकेशन जोटा कि आप कहते पीरियडिक टेबल, तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन आज डिटेल डिस्कशन करवा। तो देखो अपकमिंग आपंकर कंटेक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम थर्ड फेज पर आम ऑलरेडी पूरा सिलेबस वाइज आप थ्योरी क्लास स्टार्ट कर। तो थ्योरी क्लास जब आप फर्स्ट क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टू आरंभ करी, तो आम केमिकल इक्विलिब्रियम जाए ऑलरेडी कवरेज कर सारी। तो जदि आपन से क्लास गुड़िक देखी ना, तो चैनल पर आपको सी एस टी थर्ड फेज ना गोटे प्लेलीस्ट मिल जाव, तो से आज देखिपारे। तो आज क्लास स्टार्ट करने पूर्व क्लास को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु, आ चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे आज चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स फास्ट आम कौन रहा देखो, ये पीडीएफटा जो थोड़े आम पढ़ा आज, तो ये पीडीएफटा आप पाइबे आम टेलीग्राम चैनल मुझे प्रोवाइड करदेवि आपको आम टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आप जॉइन हो पारे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी ना डायरेक्टली आप जाकि टेलीग्राम सर्च करेंगे नलेज विथ पिंटू, तो आप चैनल लोगो देखिए आप जॉइन करेंगे। ओके तो देखा आज पीरियडिक क्लासिफिकेशन डिटेल डिस्कशन करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियडिक क्लासिफिकेशन जावा पूर्व गोटे तादर आपण को टर्म देखा मिल कौन से टर्म ना, से टर्म है पीरियडिक टेबुल, बुझे ना से टर्म है पीरियडिक टेबुल। आम जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा से बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडिक टेबुल। तो ये आप मन क्वेश्चन आस पीरियडिक टेबुलटा है, ये पीरियडिक टेबुलटा कौन तार केमी किए फास्ट डिस्कवर कले, देन कौन होता, तो केतटा कौन रोचे केते एलिमेंट रोचे, तो से रिलेटेड डिस्कसन करवा। तो फास्ट पॉइंट नंबर वन हो पीरियडिक टेबुल जो आपर है, तो ताधर गोटे कनसेप्ट हो सरी पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो आप कनसेप्ट हो, तो ताधर फर्स्ट पॉइंट हो पीरियडिक टेबुल। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हो पीरियडिसिटी रो। तो पीरियडिसिटी जीवा पूर्व आम जानवा पीरियडिक टेबुल, तो ताकु फास्ट किए डिस्कवर करते, देन ताधर केतरा कौन ग्रुप रोचे कौन केत एलिमेंट रोचान, तो से रिलेटेड डिस्कसन करवा। तो पीरियडिक टेबुल कथा यदि कहवा आपको फास्ट मेंडेलीव डिस्कवर करते किए करते मेंडेलीव आप जानते हैं ना, तो फादर ऑफ पीरियडिक टेबुल से कहला आपणकर कौन ना एक्चुअली खाली जब फादर ऑफ पीरियडिक टेबुल पचारा, तो आप करेंगे मेंडेलीव। मेंडेलीव फास्ट कौन देते ना पीरियडिक टेबुल देते मेंडेलीव मेंडेलीव। किंतु जदि आप क्वेश्चन पचारा फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबुल, तो देन आपंकर क्वेश्चन आंसर आप चेंज होपर मेंडेलीव हेनी। तो जदि मॉडर्न पीरियडिक टेबुल फादर बोली आप पचारदेला, तो आप करेंगे मोस्ली किए करेंगे मोस्ली। तो मोस्ली 1913 मसीह 1913 मसीह मॉडर्न पीरियडिक टेबुल देले, तो कौन कहले ना मेंडेलीव तो फास्ट पीरियडिक टेबुल दे दे, तो देन ये कहीं पुणी आउ थे मोस्ली कहीं 1913 मसीह पीरियडिक टेबुल दे, तो कनसेप्ट बुझा। तो आपण जानते दुटा कनसेप्ट, गोटे है आटोमिक, गोटे है आटोमिक नंबर बुझे, गोटे हूँ आटोमिक मास। ए दुटा उपर आप डिटेल जानते आटोमिक मास आउ आटोमिक नंबर, ए दुटा ऑलरेडी आप जानते कारण बेसिक कनसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आम विषय डिटेल डिस्कसन कर, बुझे। तो आटोमिक मास आउ आटोमिक नंबर दुटा भितर डिफरेन्स अच्छे ना, बुझे। तो आमर जो मेंडेलीव देते पीरियडिक टेबुल, मेंडेलीव जो पीरियडिक टेबुल देते फास्ट देते, तो से मेंडेलीव जो पीरियडिक टेबुल देते से बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट गुड़ा जो सजे रही से पीरियडिक टेबुल अकॉर्डिंग टू आटोमिक मास बा मास नंबर एलिमेंट गुड़ा मास नंबर अनुजाई सजे रही, बुझे। किंतु ये जो मास नंबर अनुजाई सजे रे, तो से बहुत ही एक्सेप्शन बाहर, बुझे। तो एक्सेप्शन जो बाहर देन ताकू रिभाइज करने हेनरी मोस्ली 1913 मसीह मॉडर्न पीरियडिक टेबुल देले, जी कि बेस्ट कला क्या ना अकॉर्डिंग टू आटोमिक नंबर, क्या बेस कला आटोमिक मास को बेस न करी आटोमिक नंबर को बेस कला। तो ये जो आटोमिक नंबर को बेस कला ये बहुत आप्रोप्रिएट है, आ सब एलिमेंट आपको सैटिस्फाई कले पूरा आप सीरीयली रहा, बुझे। से मॉडर्न पीरियडिक टेबुल जोटा कि गिवेन बाय हेनरी मोस्ली 1913, तो एक्सेप्टेबल है, बुझेगा। तो देन ए विषय आप कनसेप्ट क्लीयर हो, फास्ट देते मेंडेलीव, मेंडेलीव देते आटोमिक मास अनुजाई मास नंबर अनुजाई एलिमेंट सजे, देन आपणकर किसी कौन ना एक्सेप्शन बाहर
हेनरी मोस्ली आउ थे मॉडर्न पीरियड टेबल कनसेप्ट को आनी थे केते मसीह आनी थे 1913 मसीह आनी थे तो सी जो कनसेप्ट देले केमिति थिला ना सी जो कनसेप्ट देले तो ता दरे एलिमेंट गुडा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर सजाई के रही ये गला आपणकर कौन ना एटॉमिक जो आमर जो है पीरियडिक टेबुल तो से पीरियडिक टेबुल उपरे कथा थिला बुझेला एबे आसंतु आम कनसेप्ट जोटा रहा पीरियडिक क्लासिफिकेशन तो थार फास्ट पार्ट हूँ पीरियडिसिटी तो तार फास्ट पार्ट रोचे कौन ना पीरियडिसिटी तो ह्वाट इज पीरियडिसिटी बुझे तो पीरियडिसिटी कहले आप कौन बुझंती ना द रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल माने किसी निर्दिष्ट व्यवधान पर किसी निर्दिष्ट व्यवधान पर माने रीअकर हम गोटे एलिमेंटर सिमिलर प्रॉपर्टीटा सपोज गोटे ए हूँ गोटे एलिमेंट देन सर्टन एतिक इंटरवल पर सी गोटे एलिमेंट तो से सी आउ ए प्रॉपर्टी रे किसी सिमिलैरिटी जदि रहइबो देन व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर जते बेले से माने निजर एटॉमिक नंबर रे इनक्रीजिंग ऑर्डर रे सजेगि रहिथिबे सेतले गोटे निर्दिष्ट व्यवधान परे तो सेमानकर प्रॉपर्टीज रे कौन आसीबो ना से रीअकरेंस आसीबो माने सिमिलैरिटीज आसीबो तो सेतबेले से जो फंक्शन माने से जो सिस्टम को आमे कहबा रीअकरेंस होवार सिस्टम को आमे पीरियडिसिटी बोली कहबा तो माने पीरियडिसिटी रो मेन पर्पज हला गोटे सिमिलर प्रॉपर्टी गोटे रेगुलर इंटरवल पर रिपीट हबो बुझि होचि ना ने बुझेला देन से जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट हबो से रिपीट केते बेले हबो केते इंटरवल भितर हबो आम तो जानले कि सर्टन इंटरवल भितर हबो रेगुलर इंटरवल भितर हबो तो से इंटरवलटा केते तो से इंटरवल मध्य अछि से इंटरवल डाला 2 8 8 18 18 32 तो एटा होची से इंटरवल मन रखिबे एटा को 2 8 8 18 18 32 एटा होची से नंबर बाय इंटरवल तो ए इंटरवल भितर माने एलिमेंट मानकर सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हेते बुझि होची तो ये जो 2 8 8 18 18 32 आकु गोटे माने आर गोटे ये अच्छी कौन ना गोटे नेम अच्छी तो आ नेमटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट मत आप एक्जाम पचारे कि जदि भी पचार दे पारे क्या आ नेमटा हूँ इंपोर्टेंट तो आपको मन रखिए आपको मैजिक नंबर बोली कह जाए कौन कह जाए मैजिक नंबर बोली कह जाए आपको आप मन रखिए मैजिक नंबर बोली कह जाए बहुत इंपोर्टेंट मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 इजिली आप मन रखिपारे मैजिक नंबर बोली कह जाए बुझेगा से जो आपर रीअकरेंस हम कौन हम रीअकरेंस हम सिमिलर प्रॉपर्टी बुझे तो सहीटा केते इंटरवल है ना 2 8 8 18 18 32 तो ताको आम कौन कहगला ना मैजिक नंबर कहगला से जो रेगुलर इंटरवल गुड़ को से जो नंबर गुड़ को मैजिक नंबर बोली कहगला एबे जो आम जानले से कौन जानले ना आमर पीरियडिसिटी उपर जानले एबे पीरियडिक टेबुल उपर को आसंतु पीरियडिक टेबुल जो मॉडर्न पीरियडिक टेबुल है तो से रिलेटेड डिस्कशन करबे बुझेला मॉडर्न पीरियडिक टेबुल को अदरवाइज IUPAC पीरियडिक टेबुल मध्ये कहंती IUPAC पीरियडिक टेबुल जदि IUPAC पीरियडिक टेबुल कहला मध्ये से मॉडर्न पीरियडिक टेबुल को बुझियो हला तो IUPAC देखंतु आमे नोमेनक्लेचर पढ़ीले तो IUPAC रो फुल फॉर्म आपण समस्त आई होप जानिथि जो माने जानिछंती कमेंट सेक्शन रे कहबे नॉर्मल मु नेक्स्ट क्लास रे मु आपण कह देबी तो एटा आमे बहुत थोड़ा डिस्कशन करछु एटा मध्ये इंपोर्टेंट तो जो माने केमिस्ट्री पढ़ुछंती एटा को माने जाले भी जानिया दरकार तो IUPAC रे फुल फॉर्म आपण कमेंट सेक्शन रे कहबे हला तो एबे आछ कांसेप्ट देखंतु कोन ना मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल मु ऑलरेडी कहि सालेनी आपण को कोन ना हेनरी मोस्ली डिस्कवर करथिले केते मसिया 1913 मसिया रे तो से जो डिस्कवर करले केमिति ना अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर मास नंबर नुह मास नंबर करते मेंडेलिव तार बहुत ही एक्सेप्शन बाहर तो से आमर कौन कले ना मोस्ली डिस्कवर कले से जो थे कि कौन रहा ना एलिमेंट गुड़ा आटमिक नंबर अनुजाई सजाई रे तो ये आसवा कौन ना जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल फीचर्स कौन कौन रहा बुझे फीचर्स कौन कौन रहा क्यों क्यों फीचर्स रहा तो फीचर नंबर वन कौन फीचर नंबर वन रहा ना ऑल एलिमेंट हैव बीन अरेंज्ड इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर यहाँ हूँ मेन फंक्शन मन रखिए सब एलिमेंट जो सजेक रे से अकॉर्डिंग टू देयर इनक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वे रे रही बुझेगा ये पॉइंट नंबर वन फीचर नंबर वन नेक्स्ट फीचर नंबर टू तो कौन है ना एलिमेंट्स विथ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो एलिमेंट रा सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहिबो तो सेमाने रिपीट हेबे केते सॉरी सेमाने कौन हेबे ना सेमाने गोटे जगह रे स्थानित हे माने एलिमेंट्स विथ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टी जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम तो ऑब्वियसली तार प्रॉपर्टीज सेम हबो
तो प्रॉपर्टीज सेम है मैंने से मैंने क्यों जगह रहेंगे गोटे जगह रहेंगे टुगेदर प्लेस टुगेदर आट वन प्लेस बुझेगा यहाँ हूँ कौन ना फीचर नंबर टू देन आसवा फीचर नंबर थ्री एलिमेंट्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी जदि डिफरेंट इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑब्वियसली डिफरेंट प्रॉपर्टी हम एंड हेंस दे हैव बीन प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेस इन द पीरियडिक टेबल जदि डिफरेंट इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन से मैंने ऑब्वियसली डिफरेंट जगह प्लेस हे बुझे पीरियडिक टेबल एवं आसते पीरियडिक टेबल को आम के भाग में कौन केमी विभक्त कले तो सी हूँ आपर फीचर नंबर फोर तो फीचर नंबर फोर कहला पीरियडिक टेबल कनसीस्ट अफ पीरियडिक टेबल कनसीस्ट अफ सेवेन सेवेन यहीटा को बहुत ही भल से जानतु यहाँ जहाँ भी जदि आपन को पीरियडिक क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रो अफिनिटी कि आपर आइनेसन पोटेनसीआल ए रिलेटेड क्वेश्चन पचारूँ तो देन जदि गोटे आप मैंने आप प्रोब्लेम रिलेटेड क्वेश्चन दौर तो देन आप जो क्वेश्चन टा थी जो आप थ्योरी बेस्ड तो सेटा आपन को डेफिनेशन पचार ए पचार बुझे केतटा पीरियड अच्छी केतटा ब्लॉक अच्छी केतटा कौन एलिमेंट टाइप होती टाइप क्वेश्चन आसो बुझे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिपारे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 2022 संपूर्ण एनालिसिस क्लास मुझे अपलोड कर दी आपर सेपरेट प्लेलीस्ट तो से प्लेलीस्ट लिंक मुझे देदेवी आई बटन ना आप चैनल पर जाकिपर ओके सेवेन हॉराइजॉन्टल कौन अच्छी ना पीरियडिक टेबल कनसीस्ट ऑफ सेवेन हॉराइजॉन्टल रोज सातटा हॉराइजॉन्टल रोज अच्छी जहाँ को आम कौन कह आम पीरियड बोली कह पीरियड बोली कह बुझेगा सेवेन हॉराइजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड बुझे आधार किसी डाउट नहीं देन आसला यहाँ है ए सपोज ए यहाँ हूँ बी सतटा हॉराइजॉन्टल रो अच्छी जहाँ को आम पीरियड बोली कह दे अठरटा वर्टिकल अठरटा वर्टिकल कौन अच्छी ना कलम अच्छी कलम अठरटा वर्टिकल कलम अच्छी जहाँ को आम कौन कहूँ ना आम ग्रुप बोली कह कौन कहू ग्रुप बोली कह तो यू आप कौन जानले ना सतटा पीरियड अच्छी अठरटा ग्रुप अच्छी देन आसवा कौन ना चारिटा ब्लक अच्छी कौन अच्छी चारिटा ब्लक 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 तो से चारिटा ब्लक किए किए ना एस पी डी एंड एफ एति ब्लक अच्छा बुझेगा ये सब पीरियडिक टेबल मन रखिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट देन एलिमेंट केते टाइप रे ना देन थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट तो ये पॉइंट आज तीन टाइप रे एलिमेंट अच्छा तो आम जानू से क्यों क्यों टाइप रे एलिमेंट तो सी क्यों क्यों टाइप रे एलिमेंट तो सी हो पॉइंट नंबर वन सी हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पॉइंट नंबर टू ट्रांजिशन एलिमेंट देन पॉइंट नंबर थ्री इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ओके तो ये आसवा पॉइंट देखो आम चारिटा ब्लॉक थी तो तीन टा टाइप रे एलिमेंट रेमें आम एवं क्वेश्चन गोटे आसन टाइप रे एलिमेंट ये सब कौ ब्लॉक को बिलंग करते तो विषय डिस्कशन करवा देखु एवं आसतु कौन ना आम देखा जी जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन आ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रे मैंने सब कौ कौ ब्लॉक को बिलंग कर बुझे तो देखते पीडीएफटा आपजे आर रिलेटेड मुझे गोटे हैंड रिटर्न पीडीएफ शेयर करदेवी तो हैंड रिटर्न पीडीएफ पाइबे आपड़ टेलीग्राम चैनल ओके तो से रिलेटेड आपजे टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाए तो टेलीग्राम चैनल जॉइन है आपड़ बहुत ही हेल्पफुल होके तो पॉइंट नंबर वन आम जो चार्टा ब्लॉक था एस पी डी एफ एवं आस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अंडर में क्यों कौ ब्लॉक जीव रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ओके तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अंडर में जाऊँ एस ब्लॉक आउ पी ब्लॉक मन रखिए ये सब पॉइंट गुड़ा तो ये पॉइंट सियोर सोर्ट क्वेश्चन आपे तो केमिस्ट्री जदि कहे तो आपड़ी सी एस टी पॉइंट ऑफ व्यू रु देखिए इजिली आप 25 आप सब क्लास को रेगुलरली करूँ तो आप सियोर सोर्ट 25 प्लस स्कोर करके आस बुझे सियोर सोर्ट 25 प्लस स्कोर जदि आम एटा हूँ सी एस टी 25 प्लस स्कोर करेंगे जदि ओएसटी डी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए 15 प्लस सियोर सोर्ट तो जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप परीक्षा दे तो से मैंने पूरा से मैंने निजे कहे तो ये मैंने कौन क्वेश्चन कौ लेवल आसो टाइप आस रम क्लास कतेटा क्वेश्चन आसो पूरा सियोर सोर्ट जापरि ओके तो ये रहा पॉइंट कौन ना एस आउ पी ब्लॉक को कौन कहुए ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोली कहुए तो ये आसला पॉइंट देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो रहा तो आम जान लें एस आउ पी ब्लॉक को कहुए तो
ଏବେ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କାହିଁ କହିବା? ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, ତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କାହିଁ କହିବା? ତ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ କ'ଣ, ତ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନା, ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିବ। ତ ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସବା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିବେ, ମାନେ ସବା ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ରହିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଥିବେ, ବୁଝିହେଉଛି? ତାକୁ କହିବା ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ। ତ ହୁଇଚ୍ ଆବ୍ ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ, ତ ତାକୁ କହିବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ହେଲା ଫର୍ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଆଉ ଡି ସରି ଏସ୍ ଆଉ ପି ବ୍ଲକ୍ ଯାଉଛି ନା, ତ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ହେଉଛି ଏନ୍ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ, ଅର୍ ଯଦି ପି କଥା ଦେଖିବା ଏ ୱାନ୍ ଏନ୍ ଏସ୍ ଟୁ ଏନ୍ ପି ଏକରୁ ଛଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍। ତ ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ତ ସିଏ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଟୁ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା, ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡି ବ୍ଲକ୍କୁ। ମନେ ରଖିବେ ଡି ବ୍ଲକ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇନର୍ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଇନର୍ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତ ମନେ ରଖିବେ ଇନର୍ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍, ବୁଝିହେଲା? ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି ଆମର କ'ଣ ନା, ଚାରିଟା ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ତିନି ଟାଇପ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ୍ର କେଉଁଠାରେ ରହିଥିବେ, ତ ମନେ ରଖିବେ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟମାନେ ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ୍ର କେଉଁଠାରେ ରହିଥିବେ ନା, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବେ। ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟମାନେ କେଉଁଠି ଥିବେ ନା, ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ୍ର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାର୍ଟିନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍, ତ ଟୋଟାଲି ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ଟୋଟାଲି ତେରଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, କେତେଟା ଥାନ୍ତି, ତେରଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, କେତେଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନା ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ନା ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ଏ, ବୁଝିହେଲା? ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତେରଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କେଉଁ ବ୍ଲକ୍, ସେ ହେଉଛି ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍, ବୁଝିହେଲା? ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଏନ୍ ଏସ୍ ୱାନ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ ଏସ୍ ଟୁ, ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଏନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ ଏସ୍ ଲେଖାହେଉଛି, ଏନ୍ ଆପଣ ଏସ୍ ତ ହେଉଛି ଏସ୍ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଏନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାହେଉଛି ଏନ୍, ତ ଏନ୍ ହେଉଛି ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍, ବୁଝିହେଉଛି? ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍, ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍, ତ ସେମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ମେଟାଲ୍, ବୁଝିହେଲା? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ମେଟାଲ୍ କି ନାହିଁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତ ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଲାନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଲାନ୍ସି। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ ଏ କହିଲେ, ତ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍ଟା କ'ଣ ନା, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍କୁ ଆମେ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ ବୋଲି କହିଦେଉ, ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍, ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍, ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ମନେ ରଖିଥିବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍ଟା ହେଉଛି ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁଟା ହେଉଛି ଆଲକାଲାଇନ୍ ଆର୍ଥ ମେଟାଲ୍, ତ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା କମନ୍ ଜିନିଷଟା, ତ ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସଫ୍ଟ ମେଟାଲ୍, ଦେ ଆର୍ ସଫ୍ଟ ମେଟାଲ୍ ହାଭିଂ ଲୋ କ'ଣ ମେଲ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ମେଟାଲ୍, ଯାହାର କି କ'ଣ ନା, ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଲୋ ଥିବ, ଲୋ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଉଛି? ଏତେ ହାଇ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ, ବୁଝିହେଉଛି? ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ସେମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ବହୁତ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋ ଆଇନେସନ୍ ଏନର୍ଜି, ଆଇନେସନ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଲୋ, ତ ଆଇନେସନ୍ ଏନର୍ଜି କ'ଣ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ ନା, ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ ଆମର ଆଇନେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍, ବୁଝିହେଉଛି? ଦେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ,
तो सेमानकर कौन ना आयनसल एनर्जी रहा लो देन पॉइंट हो कौन ना दे आर हाइली रिएक्टिव एंड इजिली फॉर्म यूनिवैलेंट एंड बाइवैलेंट आयन बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सेमाने बहुत रिएक्टिव एलिमेंट तो सेमाने इजिली कौन ना एनर्जी हेकी यूनिवैलेंट आउ बाइवैलेंट आयन फॉर्मेशन करते बुझे। देन पॉइंट हो कौन ना इन द मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल मैंने तो ये कौन ना जनरली मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म रे कौन करती ना गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को भलसे कंडक्ट करती बुझे। तो दे आर हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस से हाइड्रोक्साइड को आम कौन कह स्ट्रॉन्ग बेस कह हाइड्रोक्साइड को आम कौन कह स्ट्रॉन्ग बेस कह। देन हूँ लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन ग्रुप वन रि पॉइंट यहाँ मन रखिए ग्रुप वन लास्ट एलिमेंट हूँ कि फ्रांसीयम कौन था ना फ्रांसीयम एंड ग्रुप टू रोचे रेडियम ग्रुप वन फ्रांसीयम ग्रुप टू रेडियम। तो ये दुटा हूँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए पॉइंट मन रखिए भलसे। तो दिज एलिमेंट्स आ गुड रिड्यूसिंग एजेंट तो ये एलिमेंट गुड़ा सब भल रिड्यूसिंग एजेंट आकार में काम करती कौन काम करती ना कारण एम आयनेसन पोटेंशियल लो मन रखिए। तो जब क्वेश्चन पचारा जे एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने सॉरी ग्रुप वन आ टू ब्लॉक टू एलिमेंट मैंने कौन भल रिड्यूसिंग एजेंट आकार में काम करती तो आप डायरेक्टली कहते हैं आयनेसन एनर्जी आयनेसन पोटेंशियल बहुत लो थे भल रिड्यूसिंग एजेंट बुझे। देन आसतु एस ब्लॉक एस गला पी को आसत पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक बुझेगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कह पी ब्लॉक एलिमेंट कौन ना दोज एलिमेंट इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू पी ऑर्बिटल बा पी सबसेल। तो जो एलिमेंट रो लास्ट इलेक्ट्रॉन टा पी सबसेल को जाए रोथ्व पी सबसेल जाए रोथ्व तो आम कह सी हूँ गोटे पी ब्लॉक एलिमेंट। तर लास्ट आम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखले लास्ट को आइला कौन ना टू पी सिक्स। तो यहाँ आम कौन जाना ना यहाँ पी को जाइए मैंने यहाँ हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट बुझेगा। तो दिस पी ब्लॉक एलिमेंट इज सिचुएटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पीरियडिक टेबल। तो यहाँ हूँ लेफ्ट रे एटा हूँ राइट रे बुझेगा राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट रहा तो ये आप टोटाल केतटा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सॉरी टोटाल केतटा एलिमेंट कंटेन कर टोटाली 31 एलिमेंट कंटेन कर केतटा ग्रुप छा ग्रुप रे। तो पी ब्लॉक रे मन रखिए छा ग्रुप अच्छी। तो क्यों क्यों ग्रुप ना 13-18 ग्रुप रोचे 13 ग्रुप 18 है ये हूँ कौन ना पी ब्लॉक रे जा 18 ग्रुप को आप जानते कौन कहुए कौन कहुए ना 18 ग्रुप 18 एलिमेंट बा 0 ग्रुप एलिमेंट बा इनर्ट गैस एलिमेंट है। तो देन पॉइंट हूँ कौन बा नोबेल गैस एलिमेंट कहुए। तो तांकर एबे होची पॉइंट ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन रहबो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मन रखिए एन एस टू एन पी 1-6 एटा होची जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट बुझेला। देन रहला कौन पॉइंट ना देन पॉइंट होची हमरा कौन नेक्स्ट देखिबा हमरा पी ब्लॉक गला देन होची रहला कौन ना पी ब्लॉक एलिमेंट रो कौन ना किसी क्यारेक्टरीस्टिक्स देखा पी ब्लॉक एलिमेंट विषय जानते तो किसी क्यारेक्टरीस्टिक्स देखा। तो से पी ब्लॉक एलिमेंट आप ग्रुप 16 को मन रखिए भलसे कौन ना ग्रुप 16 हूँ चालकोजन फैमिली बा ऑक्सीजन फैमिली आउ गोटे हूँ ग्रुप 17 हीलियम जोटा रहा कौन ना हालोजन फैमिली ग्रुप 17 एलिमेंट ग्रुप 18 हूँ आप कौन नोबेल गैस एलिमेंट। तो ये जो ग्रुप रहा आप कौन ना पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक रे कौन ना से जेनराली कौन ना हाई आयनेसन एनर्जी था आयनेसन एनर्जीटा हाई था। देन हूँ जेनराली पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड पी ब्लॉक एलिमेंट मैंने जेनराली कौन करती ना कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करती कोवेलेंट कंपाउंड बुझे। देन पी ब्लॉक एलिमेंट हैज जेनराली बैड कंडक्टर इमाने हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती इमाने जेनराली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बुझे। तो हेवियर एलिमेंट एक्जिबिट वेरिएबल बैलेंस तर जा ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट रो मैंने हेवियर एलिमेंट थे बैलेन्सटा भारी करता है वेरिएबल बैलेंस बुझे। तो देन पॉइंट हूँ पोलोनियम इन ग्रुप 16 ग्रुप 16 आस्टाटाइन इन ग्रुप 17 देन पॉइंट हूँ आप रैडन इन 18 आर कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन नेचर। तो मन रखिए
पोलोनियम होची ग्रुप 16 रा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आस्टाटिन होची ग्रुप 17 रा, रैडन होची कोन ना आपणकर ग्रुप 18 बुझला। तो देखंतु जदि आपण ग्रुप 18 ग्रुप 18 17 देन आपणकर कोन ना 16 विषय चाहिए पर्टिकुलर सेपरेट क्लास करिया पई, तो आपण जदि कमेंट सेक्शन कमेंट करिवे, जदि आपण जानिगु चाहुथिबे देन आमे क्लास आनिबा कोन ना सेपरेट क्लास, यूँ आम कंबाइन पढ़ु ना सेपरेट क्लास आने गोटे क्लास टोटल ग्रुप 18 एलिमेंट कंप्लीट करवा, आउ गोटे क्लास ग्रुप 17 एलिमेंट कंप्लीट करवा, आउ गोटे क्लास ग्रुप 16 एलिमेंट कवरेज करवा। जदि आप चाहूबे जानापी देन कमेंट कले मुझे नहीं आसवि बुझे देन पॉइंट हूँ एवं आसवा कौन ना एसवा क्या ना ए जान लें पी जान लें एवं आसवा डी को, तो डी को जी पूर्व गोटे आउ गए पॉइंट मन रखु ब्रिज एलिमेंट बा डायगोनल रिलेशनशिप, ये पॉइंट आपन सुनी थी डायगोनल रिलेशनशिप बुझे कौन जानवा। तो एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड आर नोन आज ब्रिज एलिमेंट, द्वितीय पीरियड सेकेंड पीरियड रे एलिमेंट को कौन कही था ना ब्रिज एलिमेंट बोली कही था, कौन पाई ना ब्रिज कौन पाई ना दे रिजेम्बल इन सर्टन प्रॉपर्टीज द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, माने पीरियड नंबर टू सर्टन प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी रोची पीरियड नंबर थ्री संगे, तो से टू आउ थ्री को कौन कहते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट कहते ब्रिज एलिमेंट बा डायगोनल रिलेशनशिप भितर रोचे केमी देखा रोचे। तो डी नंबर पीरियड जी आम देखा तो एलिमेंट किए किए रोचना एलिमेंट रोच लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन, पीरियड नंबर थ्री को देखा सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, तो लिथियम रो किछि सिमिलरिटी रहउछि मैग्नीशियम संगे, बेरिलियम रो एल्युमिनियम संगे, बोरन रो सिलिकॉन संगे, देन आपणकर कार्बन रो फास्फोरस संगे, तो ये माने होउछन्ति कोन ना ब्रिजिंग एलिमेंट ब्रिज एलिमेंट बा कोन ना डायगोनल रिलेशनशिप एलिमेंट बुझेला। तो देन आसीबा काकु ना डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक का कहवा ना डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट मध्ये कह जाए जानते ट्रांजिशन। तो ये इंक्लूड एलिमेंट इच्छा भी इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल, तो आपणकर जनरली डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट मैंने कौन लास्ट जाऊ डी सबसेल को लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द डी सबसेल बुझे यहाँ हूँ गोटे पॉइंट। देन आर जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हूँ मन रखिए N-1 S2 N-1 P6 देन होची N-1 D1 to 10 देन NS2 एटा होची जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट बुझेला। तो आर चारिटा ट्रांजिशन सीरीज था आर चारटा एटा ट्रांजिशन एलिमेंट ना, तो आर चारटा ट्रांजिशन सीरीज था चारटा ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन ना गोटे हला ये जो आप कौन ना रहा कौन गोटे है 3D गोटे है 4D गोटे है 5D गोटे है 6D, तो चारिटा ट्रांजिशन सीरीज ये टाइप थाए कौन ना डी ब्लॉक एलिमेंट बुझेगा। तो दिस ब्लॉक ये जो डी ब्लॉक रहा यहाँ सिचुएट इन बिटवीन एस आउ पी ब्लॉक एस आउ पी ब्लॉक मझे सिचुएट अच्छे बुझेगा। तो इट इनक्लूड 40 एलिमेंट इन 4 ट्रांजिशन सीरीज, तो ट्रांजिशन सीरीज है ये चार्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो टोटाली 40 एलिमेंट अच्छा केतटा अच्छा टोटाली 40 एलिमेंट अच्छा। तो से सीरीज रहा फास्ट ट्रांजिशन सीरीज हूँ कौन ना कौन फास्ट रहा 3D सीरीज फास्ट रोच 3D सीरीज, तो 3D सीरीज रे आपण मन रखिए तो टोटाली केतटा एलिमेंट अच्छी ना 10 एलिमेंट अच्छी 3D सीरीज 10 एलिमेंट अच्छी केतरु केतने ना स्कैंडियम रु आपणकर जिंक माने स्कैंडियम हूँ 21 रु 30 एलिमेंट हूँ कौटी ना आपणकर कौन ना जोटा रहा फास्ट ट्रांजिशन सीरीज बा 3D सीरीज बुझेगा। देन हूँ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज रे केतरा अच्छा ना सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज रे टोटाली आप आटमी नंबर 39 रु आटमी नंबर 48 पर्यंत अच्छा बुझे तो सी हूँ 4D ट्रांजिशन सीरीज, तो ये डीपली जावा दरकार नहीं, तो आप खाली मन रखिए चार्ट ट्रांजिशन सीरीज अच्छी है। तो देन आपणकर रहा कौन ना देन जीवा कौन रोची प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट बुझेगा, प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट रो प्रॉपर्टी और फीचर्स विषय जानवा।
ତ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ନା ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆର୍ ମେଟାଲ୍, ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ୍ ଡି ବ୍ଲକ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ହାଇ ମେଲ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ହାଇ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଜେନେରାଲି ଏମାନେ ମେଟାଲ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଭଲସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦିଜ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଆର୍ ଜେନେରାଲି ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟାଲ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ତ ଏମାନେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ନା ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର, ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ତ ତିନିଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମର ରହିଛି, ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍, ଡାଇମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆଉ ଫେରାମାଗ୍ନେଟିକ୍। ତ ଆମର ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ସୋ କରିବେ କେଉଁମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ, ବୁଝିହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍ ମାନେ, ତ ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିବ, ଡାୟା ହେଲେ ଫୁଲଫିଲ୍ ରହିବ। ତ ପାରା କ'ଣ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନପ୍ୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ତ ଆର ଯେହେତୁ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅନପ୍ୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଜେନେରାଲି କଲର୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡି ବ୍ଲକ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ କଲର୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ କଲର୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦିଜ୍ ଯେଉଁ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ। ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବାରେ ଅଧିକା ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା। ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସଜାଜ, କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେଉଁମାନେ ନା ମନେ ରଖିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, କପର୍, ଜିଙ୍କ, ସରି ହଁ କପର୍, ଜିଙ୍କ, କ୍ରୋମିୟମ୍, ନିକେଲ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନରେ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଟାଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରେଇବ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଟାଲିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିବା, ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ମେଟାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଲୟ ହୋଇପାରିବେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା। ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା ନା ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ହାଭ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆୱାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ 4/5 ଅଡ଼ିଟା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଜେନେରାଲି କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରୁଥିବ କେଉଁଠି ନା ଏଫ୍, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଇନର୍ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଇନର୍ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍। ତାକୁ ଇନର୍ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କହନ୍ତି ନା ଏଇଟା ପୁରା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଇଏ ଇନ୍ବିଟୁଇନ୍ ରହୁଛି, ଦିସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ବିଲୋ ଏସ୍ ପି ଆଣ୍ଡ ଡି, ଏସ୍ ପି ଆଉ ଡିର ବିଲୋରେ ରହୁଥିବାରୁ ଟୋଟାଲି କେତେଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଟୋଟାଲି ମନେ ରଖିବ 28 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ୍, ଏଇ ତିନିଟା ବ୍ଲକ୍ର ତଳେ ରହୁଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ଇନର୍ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଇନର୍ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡି ସବ୍ସେଲ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଫ୍ ସବ୍ସେଲ୍। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ଡେଫିନେସନ୍ରୁ, ତ ତାକୁ ଇନର୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଆର ଡି ସବ୍ସେଲ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଅଲ୍ସୋ ଏଫ୍ ସବ୍ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଇନର୍ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ବୋଲି କହିବେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଡିଟା ସିରିଜ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡିରେ ଯେମିତି ଚାରିଟା ସିରିଜ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଡିଟା ସିରିଜ୍ ଅଛି, ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଡିଟା ସିରିଜ୍ ଅଛି। ତ ସେ ସିରିଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ ସିରିଜ୍, ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ ସିରିଜ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ ସିରିଜ୍, ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ସିରିଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ର ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଣୁଛେ, ଆର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ହେଉଛି ଏମାନେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହେଭି ମେଟାଲ ମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଏମାନେ ଏଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଭି ମେଟାଲ। ହେଭି ମେଟାଲ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାଇ ହେବ, ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହାଇ ହେବ, ବୁଝିହେଲା, ହେଭି ମେଟାଲ। ଦେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା କିଛି କଲର୍ ଆୟନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି, କଲର୍ ଆୟନ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ଭାଲାନ୍ସି ସୋ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ଭାଲାନ୍ସି ସୋ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର, କ'ଣ ପାଇଁ ପାରାମାଗ୍ନେଟିକ୍, ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନପ୍ୟାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ସ ଆର୍ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର, ତ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିନଏଡ୍ସ ରହିଲା ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ସ, ତ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିନଏଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା
ଆକ୍ଟିନଏଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲି ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ମନେ ରଖିବେ। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଏ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ ପଚାରି ଦିଏ। ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ N-2F1-14 N-1D0-10 ଦେନ୍ ହେଉଛି NS2। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ ମନେ ରହିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପିରିଡ଼ିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିରିଡ଼ିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଆଟମିକ୍ ରେଡ଼ିଅସ୍ ହେଉ, ଆଇନେସନ୍ ରେଡ଼ିଅସ୍ ହେଉ, ଆଇନିକ୍ ରେଡ଼ିଅସ୍ ହେଉ, ଆଇନେସନ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଉ, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆଫିନିଟି, ତ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ କାଲି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।